शराब मामले में मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस कई खेमे में बटी नजर आ रही है। इसका प्रमाण यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले पर हुई कार्रवाई को उचित ठहराया और खुद का इस मामले में सबूत देने के लिए पीठ भी थपथपाई, वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों व रायपुर के 50वीं अधिवेशन में सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया। इसके अलावा कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर दूरी बना रखी है। शराब घोटाले मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि भ्रष्टाचार ने दिल्ली को खोखला कर दिया है। पीछे नहीं रही कि सबसे पहले उन्होंने ही इस मामले में सबूत जांच एजेंसियों के सामने रखा और मामला भी दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी की जानी मानी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर अक्सर हमलावर रहती हैं। उद्योगपति गौतम अडानी मामले में कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला न किया हो, लेकिन इस मामले में उन्होंने न तो आपका बचाव किया और न ही जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई का समर्थन। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस इकाई ने इस मामले पर खुलकर आम आदमी पार्टी का विरोध किया है, इसलिए यह स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर अलग अलग खेमे में बटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।